हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसमें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मार्क्स की ड्राफ्टिंग। तो देखिए, यहाँ पर हमने मार्क्स का ड्राफ्ट बनाया हुआ है। सारी आप कह लीजिए इसे कि हमें मार्क्स की लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी है, और यहाँ हम लास्टिक लगाने वाले हैं मार्क्स में, तो यहाँ लास्टिक हमें कितना लेना है इसका मेजरमेंट है। तो सबसे पहले लंबाई, क्लोथ की लंबाई हम कितनी लेंगे, 5 इंच, और चौड़ाई भी हमें 5 इंच लेनी है। हमें चौखोट कपड़ा यहाँ पर लेना है मार्क्स बनाने के लिए। आप कोई भी कॉटन का या जिस भी कपड़े का मार्क्स बनाना चाहते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है लास्टिक की लंबाई। हम दोनों साइड, ईयर के दोनों साइड हम लास्टिक लगाने वाले हैं मार्क्स में, तो यहाँ इंच हमें 10 इंच लास्टिक की ज़रूरत होगी। तो देखिए, हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग पे आ जाते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 फोल्ड कपड़ा लिया है। मार्क्स के लिए हमें 2 फोल्ड कपड़ा लेना है। यहाँ हम डबल लेयर मार्क्स बनाएंगे, तो 2 और 2, 4 फोल्ड कपड़ा। अगर हम एक ही तरह का कपड़ा ले रहे हैं तो हमें इस तरह कपड़े को 4 भाग में फोल्ड कर लेना है, और अगर आप नीचे अस्तर अलग लगाना चाहते हैं कपड़े में, तो 2 फोल्ड कर आप दोनों क्लोथ्स की कटिंग करेंगे। इसके बाद मैं आपको कटिंग भी बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले हम डबल फोल्ड कर इस तरह कपड़ा चौखुट बिछा लेंगे। लंबाई हमें 5 इंच लेनी है और चौड़ाई भी हमें 5 इंच लेनी है। ये हमारे मार्क्स की लंबाई हो गई और ये हमारे मार्क्स की चौड़ाई हो गई। अब इसके बाद ये हमारा फ्रंट भाग है और ये हमारा ईयर्स वाला भाग है, जिसमें हमें लास्टिक लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला भाग हम समझ लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर जो ईयर्स वाला भाग है हमारा, यहाँ पर हमने लिया है 3 इंच चौड़ाई। ये हमने 3 इंच चौड़ाई यहाँ तक ले ली है। अब 3 इंच चौड़ाई लेने के बाद हमें मार्क्स में गोलाई देनी होती है। यहाँ जो आगे वाला भाग रहेगा, इस तरह से हमने गोलाई दी है। इस वाले भाग में हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ जो चौड़ाई होगी हमारी, ये हमने जहाँ जो हमारा लास्टिक वाला भाग है वहाँ हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से चौड़ाई में देखिए 3.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ऊपर भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा ऊपर वाला भाग है और ये वाला भाग हमारा नीचे वाला भाग रहेगा। तो ऊपर वाले भाग में 3.5 इंच की पर निशान लगाकर इस तरह गोलाई से हम यहाँ पर इसे मिला देंगे। जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ इसे मिला देना है। देखिए, इस तरह से गोलाई से हमें यहाँ पर इसको मिलाना है। देखिए, इस तरह से ऊपर वाले भाग में हमने यहाँ पर गोलाई दे दी। मैं मार्क्स में आपको बता देती हूँ, ये वाला जो हिस्सा रहेगा हमारा, ये ऊपर वाला हिस्सा है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और ये वाला हमारा नीचे वाला हिस्सा है। नीचे वाले हिस्से में भी हमने 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया था, तो इसको हम तिरछा, इस तरह तिरछा मिला देंगे। ये और ये वाले भाग में हमारी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 3 इंच होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा, गोलाई वाला हिस्सा, तो हमने जो ये निशान लगा है 3.5 इंच का, एक निशान यहाँ और एक निशान यहाँ लगा। अब इसको यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देंगे। इन दोनों निशानों को इस तरह से गोलाई देते हुए हमें मिला देना है। तो कुछ इस पैटर्न में ये मार्क्स बनाएंगे हम। और इसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से, आप अगर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से एक डोरी, या हमने यहाँ लास्टिक का ड्राफ्ट बनाया है तो हमें 10 इंच लास्टिक लेना है। तो 5 इंच का लास्टिक हम इस साइड लगाएंगे और 5 इंच का लास्टिक इस साइड लगाएंगे। हमें दोनों छोर पर इस तरह से लास्टिक लगाना है। 2-in-1 मार्क्स है। आप इसे इस साइड से या इस साइड से, दोनों तरफ से वेयर कर सकते हैं। मैं इसके बाद आपको सिलकर बताती हूँ कि किस तरह से हमें ये मार्क्स रेडी करना है। से गोलाई देना है हमें, 5 इंच लंबाई पर और 5 इंच चौड़ाई पर निशान लगाना है। ये हमारी 5 इंच चौड़ाई है। अब इस तरह से इधर से भी हम यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देंगे और सामने से देखिए, हमने इस तरह से ये वाला जो हमने अंदर का अस्तर इस तरह से तैयार किया है और एक फैब्रिक हमने ये कट किया है। अब हमें सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर सिलाई लगानी पड़ेगी। जो गोलाई वाला भाग है आगे, हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसके अंदर भी हमें आगे वाले भाग में सिलाई लगा लें। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों भाग पर सिलाई लगा दी है।
इसमें भी हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और यहाँ पर भी हमने इसमें सिलाई लगा दी है। देखिए अब हमें इस भाग को, एक भाग को हम सीधा इस तरह से रखेंगे, उसके बाद जो ऊपर वाला भाग रहेगा इसका उल्टा हिस्सा हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और इस तरह से इन दोनों को हम, देखिए इस तरह से हमें रखना है। नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा सीधा है, इन दोनों के सीधे भाग है जो एक दूसरे से इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमें रखने हैं। देखिए अब इसके बाद हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से तीनों कॉर्नर को हम सिलाई लगाएंगे, साथ ही हम यहाँ पर लास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लास्टिक ले लिया है, तो इस तरह से दो लास्टिक हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं और हमें यहाँ पर इनके कॉर्नर पर लास्टिक अटैच करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर एक लास्टिक यहाँ पर अटैच करेंगे और एक लास्टिक को हम दूसरे कोने पर इस तरह से अटैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इसकी सिलाई लगाते हैं। मैं आपको हाथ से ही यहाँ पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले जो हम पहले लास्टिक लगाएंगे उसे हम इस तरह से अंदर की साइड से रखेंगे। हमें अंदर लास्टिक को अंदर रखना है क्योंकि हम इसे पलटने वाले हैं, तो हमें अंदर लास्टिक को अंदर रखना है और इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाना चालू करना है। देखिए हमने यहाँ पर इसके तीनों साइड में सिलाई लगा ली है। एक साइड में हम यहाँ पर इसे खुला रखेंगे ताकि हम इसे पलट सके, यहाँ से हम इसे पलट देंगे। इस साइड हमने लास्टिक के साथ ही यहाँ पर अटैच कर लिया है और सिलाई लगा दी है। अब हम इसे यहाँ से अंदर से इस तरह से पलट लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब जो हमारी ये खुली वाली भाग है इसको हम इस तरह से अंदर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अंदर से फोल्ड कर हम यहाँ इसमें जो लास्टिक है उसे अटैच करेंगे। देखिए हम पहले हमने दोनों भागों को फोल्ड कर दिया, बीच में इस तरह से लास्टिक रखकर दोनों साइड दोनों कॉर्नर पर हम इस तरह से लास्टिक रखकर इसे भी अटैच कर देंगे। यहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे। इसे अटैच कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। ऊपर से एक चपटी सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये डबल लेयर मार्क्स तैयार है। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।